हाय गाइस, दिस इज धनंजय हियर एंड आई एम द सीईओ ऑफ मोक्ष। ये जो वीडियो है वो उन बच्चों के लिए है जो यूक्रेन से वापस इंडिया आए एंड दे आर लुकिंग फॉर ट्रांसफर फॉर द लास्ट 5 मंथ्स। आप सबको पता है क्या चल रहा है। कभी कोई बोलता है कि भाई एनएमसी के रूल नहीं आए, जो एक्चुअली पहले से थे, वॉर सिचुएशन में आप ट्रांसफर कर सकते थे। कभी किसी ने बोला ऑनलाइन क्लासेस चालू है, कभी किसी ने बोला फीस भर दो, कभी किसी ने बोला अभी आप वापस यूक्रेन चले जाओ, कभी किसी। ये मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन जो चल रहा था उसके पीछे कोई ना कोई रीजन था। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि अभी क्योंकि एकेडमिक सेशन हर कंट्री में चालू हो रहा है और आपके पास 3 कंट्री ऐसी हैं जो सेंसिबल यूनिवर्सिटीज जहां पे प्रेजेंट है, जहां पे एजुकेशन क्वालिटी को बिना कॉम्प्रोमाइज किए आप पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो, वैसा या तो रशिया है, जॉर्जिया है या सर्बिया है। करेक्ट है। अब आपको ऑप्शंस तो मिलेंगे, जैसे कजाक चले जाओ, उज़्बेक चले जाओ, किर्गिज चले जाओ, ये सब ऑप्शंस में आप जाओगे तो 100% फंसने वाले हो, मैं आपको गारंटी के साथ में। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको मैटर करता हो अगर, तो कंट्री वो वाली सिलेक्ट करो और यूनिवर्सिटी वो वाली सिलेक्ट करो जहां पे पढ़ाई भी हो, सिर्फ ट्रांसफर लेने के चक्कर में मत पढ़ो। सो हुआ क्या है कि ट्रांसफर हैज बिकम नाउ सडनली, जुलाई महीना खत्म होने के बाद में, जब अराउंड 5 अगस्त के बाद में सडनली सब लोगों को अचानक पता चला कि मेरे 5 महीने निकल गए एंड नाउ आई वांट टू टेक अ ट्रांसफर। ये जो ट्रांसफर वर्ड है ना दिमाग में, वो जरा साइड में कर लो, फोकस करो ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर। अनलेस एंड अंटिल यू हैव अ ट्रांसक्रिप्ट, नो यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू गिव यू अ ट्रांसफर। So what happens is there will be some contractors, some agents, they will tell you I will get your transfer done. Your first question should be how do I get my transcript? If any contractor or any agent, if they say transfer main kar dunga, usko bolo mera transcript kidhar hai. Pehle wo transfer ki baat karte hai kyunki unko bhejna hota hai Uzbekistan, या तो फिर उनको भेजना होता है जॉर्जिया, कोई आलतू फालतू छोटी सी बातूमी में कोई यूनिवर्सिटी आ गई, या तिबलिसी में एक छोटी सी यूनिवर्सिटी प्राइवेट कॉलेज है जिसमें डाल दिया आपको। भाई चॉइस तुम्हारी है कहाँ ट्रांसफर करना है, वो चॉइस तुम्हारी तभी रहेगी अगर ट्रांसक्रिप्ट आपके हाथ में हो। तो कॉन्ट्रैक्टर और एजेंट्स क्या करेंगे, वो बोलेंगे ट्रांसफर करा दूंगा, ट्रांसक्रिप्ट की चिंता मत करना। उसको बोलो सर मुझे ट्रांसक्रिप्ट की चिंता है, ट्रांसफर की नहीं है। अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है तो आपका गारंटी ट्रांसफर हो सकता है, अच्छे यूनिवर्सिटी में हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि हमको कोई भी जो कॉन्ट्रैक्टर या एजेंट बोले उसी यूनिवर्सिटी में हमको ट्रांसफर लेना है तो ही मुझे ट्रांसक्रिप्ट मिल सकती है। ये कंडीशन में दिस विल बी मोर और लेस लाइक अ ब्लैकमेल। ये भाई मुझे जहां जाना है ट्रांसफर करना है वहां पे या तो आप ट्रांसफर करो या तो मोक्ष कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सिर्फ पहले ट्रांसक्रिप्ट की बात करो। चाहे आपको भी ट्रांसफर करना होगा तो आप भी मुझे ट्रांसक्रिप्ट तो पहले निकाल के दोगे, बिना ट्रांसक्रिप्ट क्या आप ट्रांसफर करने वाले हो? ये सवाल अगर आपने पूछा तो वो बोलेंगे हाँ भाई मुझे भी ट्रांसक्रिप्ट निकालना, तो बोलो पहले ट्रांसक्रिप्ट निकालो। Without transcript, nobody can transfer you. What is happening is people are giving you their chosen university for you to transfer, which is not the case that you should select. You tell them, first I need my transcript, then I will select my university where I need to transfer. Guys, this whole scenario of returning back from Ukraine, you won't believe some of the students have decided even to go back to Ukraine out of frustration. It is extremely a difficult situation over there. War zone hai. Wahan pe they are going in, you know, I don't know how parents are accepting these kind of things, but still people have decided to go back. Bhai western part mein mera to sab safety hai, wahan pe ye nahi hota kuch. Bhai sara eastern part ka log western part mein aa gaye. Wahan pe mahangai yahan se yahan pahunch gayi hai. Wahan pe jo food ka jo scarcity hai, supermarket khali hai. कहां पे भी कोई भी वॉर हो सकती है वो वाली सिचुएशन है। ऐसे में यूक्रेन का सोचना बंद करो, आप फोकस करो ट्रांसक्रिप्ट पे।
पांच महीने तक यूनिवर्सिटीज ने रोक के रखा था आपके ट्रांसक्रिप्ट को. आप बिलीव नहीं करोगे, फ्यू ऑफ द यूनिवर्सिटीज हैव इवन रिमूव्ड देयर करिकुलम फ्रॉम देयर वेबसाइट सो दैट नो न्यू यूनिवर्सिटी कैन कंपेयर देयर करिकुलम एंड इश्यू यू द इक्वेलेंसी सर्टिफिकेट. सो दे आर वर्किंग, द यूनिवर्सिटीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू राइट नाउ so that you don't take transfer because they are in dire economic situation so that they can take your fees. आपके पैसे पे जीना चाहते हैं और आप ही को डेंजर जोन में इनवाइट करना चाहते हैं. तो यूक्रेन जाना नहीं है, उस यूनिवर्सिटी को भी बोलो, कोई भी आपको ट्रांसफर के लिए अप्रोच करे, बोलो भाई पहले ट्रांसक्रिप्ट की बात करो, बाद में हम ट्रांसफर की बात करेंगे. Nobody needs to worry कि सर एक बार डिसकंटिन्यू कर दिया, एक्सपेल हो गया, वो वर्ड जानबूझ के इंट्रोड्यूस किया. इट्स नथिंग, एक्सपेल इज नथिंग बट अ डिसकंटिन्यू. यू आर चूजिंग नॉट टू कंटिन्यू एजुकेशन ओवर देयर. आपने डिसकंटिन्यू कर दिया, प्रोसेस खत्म किया, पावर ऑफ अटर्नी दे के अपना ट्रांसक्रिप्ट मंगा लिया, बात खत्म. उस ट्रांसक्रिप्ट के बेसिस के ऊपर आपका ट्रांसफर गारंटीड है, बट सिलेक्शन आपका चॉइस है. कोई जबरदस्ती वाला मामले में मत पड़ना. थैंक यू गाइस.